मैं वंदना जोशी आज आपको बताऊंगी कि पनीर दो प्याजा कैसे बनाया जाता है। तो पनीर दो प्याजा के लिए हमने ये पनीर लिया है, इनके पीस करके रखे हैं, इनको हम लाइट फ्राई करेंगे। और ये प्याज के पेटल्स हमने निकाल के रखे हैं, तो इनको भी लाइट फ्राई करेंगे। और ये 1.5 टमाटर की टमाटर प्यूरी बना के रखी है, और ये बारीक कटे दो प्याज हैं, और ये जो है काजू, 8-10 काजू को हमने दूध में पीस के रखा है। और ये है 4-5 हरी मिर्चे है, 2-3-4 कली उसकी है लहसुन की, और एक टुकड़ा छोटा अदरक का हमने पीस के और इसमें थोड़ा पानी मिला के रखा है। और ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये गरम मसाला, ये धनिया पाउडर, और ये हल्दी, और ये राई, जीरा, नमक, चिली फ्लेक्स, और ये जो कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सेक के और हमने हाथ से मसल के इनको रखा है। ये पनीर को हम लाइट फ्राई कर रहे हैं, और जब ये लाइट फ्राई हो जाएंगे तो इसके बाद फिर वो जो प्याज के पेटल्स रखे हैं उनको भी हम लाइट फ्राई करेंगे। ये पनीर को हमने लाइट फ्राई कर लिया है, अब ये जो प्याज के पेटल्स हैं इनको भी हम लाइट फ्राई करेंगे। ये पेटल्स को हमने लाइट फ्राई कर लिया है। इसी कढ़ाई में हमने जो हमने फ्राई किया था पनीर और वो उसके पेटल, तो इसमें हमने थोड़ा 2 टेबल स्पून तेल बढ़ा दिया है। अब ये राई और जीरे का तड़का दे रहे हैं। ये प्याज डाल रहे हैं, और कटे बारीक कटे हुए जो प्याज रखे थे वो हमने डाले। ये हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हम हरी मिर्ची, अदरक और उसका लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने। हमने आंच को तेज कर दिया है, पूरा फुल कर दिया है आंच को। यदि आंच तेज करेंगे, फुल आंच पे अगर रखेंगे तो इसको लगातार हमें चलाना पड़ेगा, वरना अगर आपको जल्दी नहीं है तो आराम से काम करना है तो इसको धीमी आंच पे भी आप रख के काम दूसरा काम कर सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रहे हैं। आंच को हमने धीमा कर दिया है थोड़ा, जब तक इसमें तेल ऊपर नहीं आएगा तब तक हमने इसको ये प्लेट ढक के रख दिया है, और आंच को हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है। अब इसमें ये तेल ऊपर आ गया है और ये सिक गया है अच्छा मसाला। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून डाला है, और ये 1/2 चम्मच हमने ये मिर्ची डाल दी है। मिर्ची तो आप जैसी खाना चाहे वैसी डाल सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून ये डाला हमने धनिया, और आधा और डाला हमने, 1.5 टेबल स्पून हमने ये डाला है धनिया। ये मसाला हमने हिला दिया है, अब इसको वापस 2 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे इसको। अब ये अच्छा मसाला सिक गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब ये जो प्याज के पेटल्स है वो इसमें हम डाल रहे हैं और इसको हिला देते हैं थोड़ा सा। अब ये हमने हिला दिया है, अब वापस से 2 मिनट के लिए इसको वो ढक के रखेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमने 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है, और इसको वापस से हिला के ढक देंगे। अब इसमें ये तेल ऊपर आ गया है, अब ये दूध में जो काजू का पेस्ट बना के रखा है वो हम इसमें डाल रहे हैं। इसको हम पूरा मिक्स कर देंगे, और 5 मिनट के लिए हम वापस इसको ढकेंगे। अब ये इसमें ये तेल ऊपर आ गया है, 5 मिनट के बाद हमने इसको ढक्कन खोला है, और ये अब स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, और इसमें ये चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं थोड़े से। और ये कसूरी मेथी डाल रहे हैं।
इसको हिला के अब वापिस से 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। अभी आधा टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, ये हम डाल रहे हैं इसमें। गरम मसाला सबसे बाद में डलता है, और इसको हिला के 2 मिनट हम ढक देंगे। इसके बाद फिर इसमें पनीर डालेंगे। अब इसमें हम ये पनीर डाल रहे हैं। अब ये हमारी पनीर दो प्याजा की सब्जी तैयार है। इधर पनीर दो प्याजा की ये सब्जी अब तैयार हो गई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।